बच्चे आज हम लोग चैप्टर वन का पार्ट टू देख रहे हैं जिसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट की पार्ट वन में हमने ओवरव्यू देखा था आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखी थी अब हम उस सिंक्रोनाइज़ करेंगे आउटलाइन क्लासिफिकेशन को आपके शॉर्ट नोट्स ऑफ एनसीआर के साथ ठीक है जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था आउटलाइन में देखा था यहाँ पे स्क्रीन से प्लेट की हुई है बच्चे आप लोग देखना जो हमने कल पढ़ा था और उसको आज हम लोग सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं आज वाले लेक्चर के साथ हम लोगों ने यहाँ पर कल देखा था सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉर तो ये है डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लॉर आप लोग यहाँ पर सेक्शन ऑफ एंथर देख सकते हैं ठीक है और इसमें आप लोग पोलन सैक देख सकते हैं फिलामेंट देख सकते हैं बच्चे ठीक है और इसके टिपिकल फ्लॉर के दो पार्ट्स जो हैं एक एंड्रोशियम और एक गाइनोशियम है जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था ठीक है फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके पार्ट को कैसे एक्सप्लेन किया है फ्लॉर की कितनी डिटेल्स से? है ट्रांसफर सेक्शन एंथर का है है ना कल भी हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फिर उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम्स के सर्कुलर आउटलाइन देखी थी जो चो नंबर ऑफ़ फोर साउंडेड वॉल्स हैं जिसमें हम लोग एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडल लेयर एंड एपिटम को एक्सप्लेन कर दें इनकी डेफिनेशन देखनी आप लोगों ने ठीक है तो नेक्स्ट आपके पास आता है पोलन ग्रेन में इसका जो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट इसके बाद हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा था तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका मेल और फीमेल गेमेटोफाइट पे आपको फोकस करना है ठीक है तो ये आपका मैच्योर डिहाइज्ड एंथर है जिसमें आप लोगों का क्या रहता है कि जिसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो ये मेल गेमेटोफाइट इसमें आप लोगों ने दो सेल याद रखने हैं वेजिटेटिव सेल्स क्या करता है जो नरिश करता है और जनरेटिव सेल्स जिसमें मेल गेमेट्स बनते हैं सिक्सटी परसेंट एनजोसफॉर्म शेड करता है टू सेल स्टेज में है ना सिक्सटी परसेंट पोलन जो है वो शेड करेंगे टू सेल स्टेज में और थ्री सेल स्टेज में आपके फोर्टी परसेंट पोलन जो है वो शेड करते हैं ठीक है फिर हम लोग इसमें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पोलन ग्रेन की देखते हैं ये भी आपने देखना है नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं इसके ये तीन डाइग्राम्स आप लोगों ने देखने स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ठीक है फिर इसमें डेफिनेशन फिर ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप लोग इसमें डिटेल में देखेंगे हाइलम्स और चेलेजल पोल के पार्ट्स को भी देखोगे ठीक है बेटा फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस मेगा स्पोरोजेनेसिस से फोर मेगा स्पोर कैसे बनते हैं एक फंक्शनल होता है तीन डिजेनरेट हो जाते हैं ये आपने देखना है यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड ठीक है एम्ब्रियोसेक फोर न्यूक्लिएट एट न्यूक्ट स्टेज जो है टू फोर एट न्यूक्ट स्टेज एम्ब्रियोसेक कहलाता है जिसको मैच्योर एम्ब्रियो कहते हैं ठीक है मैच्योर इमेच्योर एम्ब्रियो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर आपके पास बने हुए हैं जो आपने बना जो आपको याद रखने हैं स्ट्रक्चर इनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन एम्ब्रियोसेक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ठीक है इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है ठीक है थ्री uh, सेल्स क्या रहते हैं एंटीपोडल्स एंड द चिलेजल ठीक है और ए लार्ज सेंट्रल सेल्स विद टू पोलर न्यूक्लिया तो हमने क्या बोला था बच्चे यहाँ पर कौन सी एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल स्टेज ये आपका एम सी क्यूज रहता है जिसमें तीन एंटीपोडल एट द चिलेजल एंड ठीक है और सेंट्रल सेल्स कितने होते हैं दो पोलर न्यूक्लियर रहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग इधर देख सकते हैं जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर में आप लोगों ने काउंट करने हैं कितने न्यूक्लियस हैं और कितने सेल्स हैं ठीक है यहाँ पे जो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं वन वन टू थ्री वन टू थ्री सिक्स और ये सेवन तो कितनी सेल्स ट्रीज होगी सेवन सेल हो गए एट न्यूक्लियस वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है और एट एट न्यू प्लीज ठीक है बच्चे तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इसमें बेटा पॉलीनेशन क्या होता है पॉलीनेशन क्या है पॉलीनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ स्टल ठीक है इसमें आप लोगों ने देखना है कि बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोल पोलिनेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स तो यहाँ पर आ जाइए बच्चे ये आ गया आपका जैसे पॉलिनेशन वाला पॉइंट हम लोग पॉलिनेशन की आउटलाइन देखे थे कितनी टाइप्स होती हैं ऑटोगेमी जिटनोगेमी और जिनोगेमी तो आप लोगों ने सबसे पहले इस पर ध्यान देना है पहले आगे ऑटोगेमी क्या होती है फिर उसके बाद आपके पास जिटनोगेमी क्या है और फिर जिनोगेमी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ठीक है तो ऑटोगेमी की टाइप्स आप लोगों को याद रखनी है ऑटोगेमी में कितनी टाइप्स हैं दो टाइप आती हैं कैस्मोगेमस फ्लोर और क्लिस्टोगेमस फ्लॉर ओपन फ्लोर को कैस्मो और क्लिस्टो क्लोज फ्लोर को बोलते हैं एग्जाम्पल इनकी याद रखनी है आप लोगों ने ठीक है जिनोगेमी में जितनोगेमी जो होती है ये पोलन ट्रांसफ़र होते हैं किस में बचे अनदर फ्लॉर ऑफ़ द सेम प्लांट एक ही प्लांट के ऊपर दो फ्लॉर जो होते हैं आपस में पोलन ट्रांसफ़र कर देते हैं जिन्होगेमी में डिफरेंट प्लान डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लॉर सेम प्लांट डिफरेंट फ्लॉर ठीक है सेम प्लांट सेम फ्लॉर ठीक है तो ये हो गई एजेंट्स क्या रहते हैं पॉलिनेशन बाई विंड ये देखो एजेंसीज़ को एजेंट बोलते हैं विंड हो गया आपका विंड के बाद आपका वाटर आ जाता है यहाँ पे देख लीजिए बच्चे पोलिनेशन ऑफ विंड फिर उसके बाद पॉलिनेशन ऑफ वाटर हाइड्रोफिली हाइड्रोफीलीनो एनीमोफिली फिर यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट आपका क्या आता है ये वेलिस लेरिया घ्रास होता है ये एग्जांपल आपको याद रखनी है बायोटिक एनिमल्स फीचर्स याद रखेंगे ठीक है आउटब्रीडिंग डिवाइसिस ब्रीडिंग डिवाइसिस क्या होते हैं बच्चे यहाँ पर एग्जाम्पल गई पॉलिनीशन की अब आ जाता है आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइस आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस में हम लोग क्या क्या देखते हैं बच्चे ए पार्ट आपका आता है सेल्फ टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइज को यूज़ करते हैं क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं अगर कंटिन्यूसली ऑटोगेमी चलती रहेगी तो प्लांट्स जो है आगे जाके इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में चले जाते हैं ठीक है प्लांट की स्पीशीज खत्म हो जाती है अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन को अवाइड करने के लिए हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस को यूज़ करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एंथरेंट टिक माई डिफरेंट पोजिशन ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे डिवाइस फॉर प्रोमोटिंग क्रॉस पोलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइसिस की डेफिनेशन है ठीक है फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर यहाँ देखिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ठीक है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये क्रॉस पोलिनेशन के डिवाइसिस हैं ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्चुअल फ्लॉर फिर हमारे पास टॉपिक आता है पोलन पिस्टल इंटरक्शन यह आ गया पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हम लोग क्या क्या करते हैं बजे इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकोगनाइजेशन फॉलोइंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ तो यहाँ पर हमारे पोल्स जा 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 आ जाते हैं ये स्टिग्मा है मतलब आप इस ये बोल सकते हो पिस्टल क्या ये पिस्टल है और यहाँ पर पोलन और ये वाली पोलन ट्यूब आती है ठीक है और ये एम्ब्रियस है क्या वजह यहाँ पर क्या होती है फर्टिलाइजेशन होती है ठीक है तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बताई जाती है कि कैसे पोल्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ एग सेल्स के साथ विद द हेल्प ऑफ साइनर्जी सेल्स एंड ऑल रिलीजिंग बाय द केमिकल्स ठीक है डबल फर्टिलाइजेशन में आप लोग सिनगेमी जयगो ट्रिपल फ्यूजन देखेंगे पेन क्या होता है ठीक है पैक क्या होता है फुल फॉर्म क्या है इनकी डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फर्टिलाइजेशन सिनगेमी प्लस सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को हम लोग क्या बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे ये चीज़ें आपको याद रखनी है ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास क्या था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आप लोगों का ये है लास्ट में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पॉम डेवलपमेंट एंडोस्पॉम डेवलपमेंट क्या होती है यहाँ पर देखिए बच्चे फ्रूट फॉर्मेशन एंडोस्पॉम डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या है एंडोस्पॉम डेवलपमेंट क्या है ये यह चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताई गई हैं ठीक है डाइकॉटलिडिनियस एम्ब्रियो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किसकी बात की थी फ्रूट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट में डाइकॉट और मोनोकॉट को भी एक्सप्लेन किया तो डाई और मोनोकॉट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया आप लोग देख सकते हैं डाईकाट और मोनोकॉट की डायग्राम्स हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी आपको बताई थी ये आ जाती है आपकी हाँ, मोनोकॉट और ये वाला पार्ट जो था आपका ये डाईकार्ड आपके नोट्स में सीड फ्रॉम ओव्यूल्स सीड फ्रॉम ओव्यूल्स तो अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशंस तो फ्रूट फॉर्मेशंस में हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे फ्रूट फॉर्मेशन्स में आप लोग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स सीड के कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे मोनोकॉट के और फिर उसके बाद सीड एंड ओव्यूल्स देखेंगे आप लोग ठीक है फ्रूट एंड ओवरी देखेंगे एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी ठीक है यहाँ पर देखिए लास्ट स्पेशल मोड क्या होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट के एक आपका एपोमिक्सिस रहता है जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताई है फिर उसके बाद आपके पास पोली एम्ब्रियोनी रहती है ठीक है बच्चे पॉलीएम्ब्रियोनी की डेफिनेशन यहाँ पे बताइए ठीक है और एक आपका रहता है पार्थिनोकार्पी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ये बच्चे आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर है आप लोग इसको थोड़ा सा टाइम लगा के इसको पढ़ें रीड करें बेटा और सबसे पहले आपको माइंड मैप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ठीक है माइंड मैप प्रॉपर आपके दिमाग में रहना चाहिए कौन सा टॉपिक कैसे क्या है किसके बाद क्या पढ़ना है और उसकी डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी वो यहाँ इन नोट्सों से मिल जाएगी आप लोगों को ठीक है बच्चे तो ये आप लोगों का पार्ट टू था तो हम लोगों ने इस प्रिसाइजली इस चैप्टर को कंप्लीट किया है ठीक है और आपको ये भी बता दिया कि ये जो क्वेश्चन आने हैं आप लोगों को कहाँ कहाँ से आएंगे किन पोर्शन से ज़्यादातर एग्जाम्पल डायग्राम और स्टेटमेंट बेस्ड आप लोगों के क्वेश्चन होंगे ठीक है बेटा तो फोकस आप लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे ज़्यादा करना है और आउटब्रीडिंग डिवाइस पे ज़्यादा करना है पॉलिनेशन पे करना है और आपके गेमेटोफाइट पे करना है ठीक है बच्चे थैंक यू